दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टेक वेब में। दोस्तों वीडियो में आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनको आप यूज करके आप अपने कंप्यूटर का डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम इस रैंसमवेयर के बारे में वीडियोज बनाते रहते हैं। तो जैसे ही हमें कोई न्यू ट्रिक की इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको यहाँ पर वीडियो अपलोड कर देंगे और आपको यहाँ से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कोई भी क्रिप्टिंग प्रोसेस से पहले आपको जो है कंप्यूटर का जो मालवेयर है वो रिमूव कर देना है। और पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, हम होस्ट फाइल चेक करेंगे अपनी कि जैसे वहां पर अगर कोई आईपी एड्रेस अननोन आईपी एड्रेस है जो अटैकर ने डाला हुआ है तो आपको वो जो आईपी एड्रेसेस है वो यहां वहां से हटानी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं हटाओगे तो वो जो आईपी एड्रेसेस है वो उनके सर्वर से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं और अगर आप वो कुछ भी चेंज आपके कंप्यूटर में यहां पर कर सकते हैं। तो पहला जो जरूरी मेथड है वो है जो भी आईपी एड्रेस है वो रिमूव करना। तो कैसे करेंगे आप, पहले आपको यहां पर सर्च बॉक्स में आना है और टाइप करना है नोट पैड। ठीक है, नोट पैड यहां पर ये आ गया। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कर देना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, यहां पर यस पे क्लिक कीजिए और यहां पर आपका जो नोट पैड है वो खुल जाएगा। यहां पर उसके बाद आपको फाइल में क्लिक कर देना है, ओपन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सी ड्राइव में जाना है। सी में जाने के बाद आपको विंडोज़ में जाना है, विंडोज़ में जाने के बाद आपको सिस्टम 32 में जाना है, उसके बाद आपको ड्राइवर्स में जाना है और उसके बाद लास्ट में ETC का एक फोल्डर होगा और यहाँ से आप आर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी जो है वो होस्ट फाइल दिख जाएगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका जो है ये होस्ट फाइल है तो इसको एडिट कर देना है। यहाँ तक जितने भी आईपी एड्रेसेस है वो आपके ही है। उसके बाद जो भी आईपी एड्रेसेस यहाँ से होंगे, जैसे यहाँ पर मान लो ये आईपी एड्रेसेस है, तो आपको क्या करना है सब आईपी एड्रेसेस को आपको डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर ये सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट के बाद आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे। तो जब आप ये सेव करेंगे और जो भी आईपी एड्रेसेस है वो रिमूव करेंगे तो इसका मतलब जो आपका कंप्यूटर है वो उनके सर्वर से आप कनेक्ट नहीं होगा। तो पहला स्टेप आपने कर दिया है। उसके बाद जो है अब दूसरा स्टेप हमें करना पड़ेगा, इसको काटेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद हम जाएंगे पहले कंट्रोल पैनल में। ठीक है, जहाँ पर भी आपकी जो एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होते हैं। तो मैं लगाऊंगा शॉर्टकट इसका APPWIZ.CPL और यहाँ पर जो है मेरी कंट्रोल पैनल यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो सारे जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कल अटैक आया है तो आपको यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कल के डेट में इंस्टॉल हुआ है तो आपको क्या कर देना है, आपको उसको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मान लो कल का डेट था ये और कल की डेट में ये ज़्यादातर ये मतलब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया मैंने या खुद ब खुद हुआ तो इसको अनइंस्टॉल कर देना है आपको। ठीक है, और याद रखना कि पब्लिशर उसका माइक्रोसॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप ये दूसरा स्टेप करोगे उसके बाद आपको तीसरा स्टेप यहाँ पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आप जाओगे और यहाँ पर आप स्टार्टअप में जाओगे। स्टार्टअप में कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन होंगी जो इनेबल होंगी तो आपको सबको यहाँ पर डिसेबल कर देना है क्योंकि इसमें कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकता है जो अटैक करने स्टार्टअप में रन के लिए उसने प्रोग्राम बनाया हुआ होगा। तो आपको सारे के सारे जितने भी हमारे आपको प्रोग्राम्स है आपको सबको डिसेबल कर देना है। तो ये है तीसरा स्टेप। उसके बाद जब आप ये तीन स्टेप करोगे उसके बाद हम आएंगे रिकवरी पे। रिकवरी में आपको पहले जो है आपको अपना कंप्यूटर स्कैन करना पड़ेगा तो मैं आपको अभी बताऊंगा स्कैन कैसे करेंगे। स्कैन से पहले हम पहले रिस्टोर पॉइंट देखेंगे कि अगर आपके कंप्यूटर में कभी आपने रिस्टोर पॉइंट बनाया है, जैसे मान लो आपने रिस्टोर पॉइंट या आपके कंप्यूटर ने रिस्टोर पॉइंट बनाया है आज से 10 दिन पहले जब आपका कंप्यूटर ठीक ठाक चल रहा था तो उसके बाद कल अटैक आया है तो आप अपने कंप्यूटर को उस डेट तक वापस ले सकते हो जिस दिन आपका कंप्यूटर ठीक चल रहा था। तो आप कैसे देखेंगे आपके कंप्यूटर में रिस्टोर पॉइंट है या नहीं है, आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आप जाएंगे फिर से स्टार्ट में और यहाँ पर लगाएंगे RSTRUI.exe। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ये देखिए यहाँ पर जितने भी ये मेरे कंप्यूटर में जितने भी रिस्टोर पॉइंट्स है वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, 10/6 का है, 10/1 का है, 9/26 का है। तो मान लो मेरा जो कंप्यूटर था वो इस डेट पे अच्छे से काम कर रहा था तो मुझे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट के बाद जैसे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा मेरा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा और जितने भी चेंजेस 26 सितंबर के बाद मेरे कंप्यूटर में हुए हैं सारे के सारे चेंजेस फॉरगेट हो जाएंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल किया है, जितना भी कुछ भी हुआ है मेरे कंप्यूटर में, तो ये जो मेरा कंप्यूटर है वो बैक टू दैट स्टेज जाएगा और मेरा जो कंप्यूटर है वो ठीक से काम करेगा। तो ये वाला जो मेथड है सिंपल मेथड है, आपको ये अगर कोई रिस्टोर पॉइंट है तो आप उसको यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर का डेटा वापस ला सकते हैं। तो ये था जो पहला जो सिंपल मेथड था। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये जो रैंसमवेयर है ये दो तरीके के वो यूज़ करता है कीज़, एक तो ऑफलाइन यूज़ करता है, एक तो ऑनलाइन यूज़ करता है।
तो जो भी की T1 या T3 से यहाँ पर एंड होगा, T1 से एंड होगा लास्ट में, तो मान लो कि आपकी जो की है वो है ऑफलाइन, तो या ऑनलाइन भी कुछ कभी कभी ये जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन में भी काम कर सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो है ऑफलाइन में काम करता है। लेकिन पहले हम ये देखेंगे आपको स्कैन कैसे करना पड़ेगा कंप्यूटर पहले। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप EMSI की साइट पर जाओगे, emsisoft.com, यहाँ पर आप पहले ब्लॉग में जाओगे। ब्लॉग में जाने के बाद यहाँ पर न्यूज़ एंड अपडेट्स का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये देखिए सॉफ्ट ये मिल जाएगा, EMSI सॉफ्ट एंटी मालवेयर 7.2, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फ्री 30 डेज ट्रेल पर आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस ही मांगेगा, वो आपको देनी है। उसके बाद आप अपना कंप्यूटर जो है वो यहाँ से एक सॉफ्टवेयर एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे और उसको रन करोगे अपने कंप्यूटर के अंदर, और जितने भी वो मेलिशियस एक्टिविटीज़ या कोई भी अगर वायरस वो यहाँ पर आपको स्कैन में पकड़ता है तो उसको आपको क्वारंटीन करना है, डिलीट कर देना है। ये स्टेप करने के बाद आप यहाँ से ही EMSI सॉफ्टवेयर से ही आप और एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर जो है ये टूल्स में जाके रैनसमवेयर डिक्रिप्शन है, रैनसमवेयर डिक्रिप्शन के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे अपलोड रैनसम नोट, आपको यहाँ पर जो भी रैनसम नोट है जहाँ पर जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर वो डालना है। यहाँ पर आपको एक फाइल डालनी है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और यहाँ पर उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी ईमेल एड्रेस उनकी होगी, तो उसके बाद आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये डिक्रिप्ट कर पाता है तो आप फिर इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे DGVU डिक्रिप्टर, तो वो सारा का सारा आपका डेटा डिक्रिप्ट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये सिंपल वाला काम नहीं कर रहा है तो आपको वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपकी जो आईडी होगी वो ऑनलाइन होगी, तो अभी ऑनलाइन आईडी के लिए कोई प्रॉपर डिक्रिप्शन नहीं है। सो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे ही हमें और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम हमारी चैनल पर अपलोड करेंगे, ताकि आपको यहाँ पर आप जो भी आप डिक्रिप्शन टूल आप ढूंढ रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद जो ये है ना, उसके बाद हम और एक जो मेथड है जो बहुत सारे केसेस में काम कर रहा है वो है आपका फोटो रैक। आपको क्या करना है, फोटो रैक को डाउनलोड कर देना है, ठीक है, photorack.testdisk, ठीक है, टेस्ट डिस्क फोटो रैक को आपको डाउनलोड कर देना है। यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है वो टेस्ट डिस्क का है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप टेस्ट डिस्क 7.2 को आपको क्लिक कर देना है इस पर, और क्लिक करने के बाद आपका जो है एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। तो ये अभी यहाँ पर मुझे डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आपको एक्सट्रैक्ट करना है। मैं पहले एक्सट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं शो एज ए फोल्डर पहले कर दूँगा इसको, और उसके बाद यहाँ पर मुझे ये फोल्डर मिल जाएगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉपी करके कहीं पर इसको पेस्ट कर दूँगा, एक नया फोल्डर बनाऊँगा मैं, वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर नया फोल्डर बनाया है, उस पर मैं पेस्ट करूँगा, उसके बाद मुझे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है, एक्सट्रैक्ट हेयर, उसके बाद ये एक फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको एक ये देखिए क्योपी फोल्डर है _win, उस पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप यस करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर अभी इसका जो है सॉफ्टवेयर का जो है मेन इंटरफेस यहाँ पर खुल जाएगा। तो इसमें कुछ सेकंड्स लग सकते हैं खुलने में, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। ये देखिए यहाँ पर खुल गया है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको होल्ड डिस्क जो दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल फॉर्मेट पर क्लिक करना है। फाइल फॉर्मेट के बाद आप यहाँ पर रिसेट करेंगे, पहले आप फोटोज़ पर आप जाएंगे, आप लगाएंगे यहाँ पर मान लो आपकी PNG है, PNG, और इस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आप JPG भी लगा सकते हो, JPG या PDF, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है, और ओके के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको कोई भी फाइल कोई भी लोकेशन आपको डालनी है। अगर आप नया फोल्डर बनाना चाहते हो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर REC जो भी है मतलब आप यहाँ पर नाम दे सकते हो, और उसके बाद ओके करेंगे और सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, और नेक्स्ट आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर सर्च में जाना है और आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर जो ये है इसमें थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपकी फाइल्स यहाँ पर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसको जब आप अगर आप 10-15 फाइल्स पहले आपको मिल रही है, आप यहाँ पर एक बार क्वाइट कीजिए और देख लीजिए उस फोल्डर में कि आपकी जो फाइल्स है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है। अगर वर्क कर रही है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, अगर नहीं कर रही है तो आप इससे आप फिर इस पर काम मत करो। तो उसके बाद जो है PDF के लिए मैंने आपको बोला हुआ है I love PDF है, तो ये मैं आपको फिर से आज दिखा रहा हूँ, I love PDF।
.com, ठीक है। तो अगर आपकी पीडीएफ फाइल्स अगर आपको चाहिए तो अभी इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर रेपियर पीडीएफ टूल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई लव पीडीएफ में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट फाइल कर देनी है जो भी आपकी, अगर कोई फाइल है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है तो आप कोई भी फाइल यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा रेपियर पीडीएफ का, तो आपको रेपियर पीडीएफ पे क्लिक कर देना है और आपकी जो फाइल है वो रेपियर हो जाएगी यहाँ से। और हमारे पास एक दो टूल है जैसे डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर से ईजस डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है, या हमारे पास ये जो है वंडरशेयर रिकवरीट है, तो इनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर आप चाहें तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। वंडरशेयर रिकवरीट को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है एंड होपफुली वी आर हम यहाँ पर और तरीके ढूंढ रहे हैं और होपफुली अभी हमें कोई और प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा इसके लिए। तो जैसे हमें कोई सोल्यूशन मिल जाएगा हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए रखिए ख्याल, खुदा हाफिज़।